आगे मेरा स्ट्रगल दिखना चाहिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू लॉग। तो फिलहाल अब भी सुबह सुबह की 7 बजने में सिर्फ 5 या 10 मिनट की देरी है, अब भी मैं तैयार हो गया हूँ। अदिति तैयार सी हो गई है, विधि तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा भैया। अदिति इधर नहा के तैयार हो रहा है, इधर भी चिट्टी पहन लिया है, अब शर्ट कपड़ा बड़ा पूरे पहनेगा और कांप रहा है। देखो अब ठंड की पता क्यों ही लग रही है, गर्मियाँ चल रही है, गर्म पानी से ना फिर उठने लग रही है। इसको यदि नहीं उठाते ना तो मन से उठ जाता है, टांडव करता है। आज इसको उठा रहे तो नहीं उठ रहा। उठो बेटा, चल देखो, चल मेरी जानू। क्यों मत विदित, उठो, अपन को जाना है, पिज्जा खाएंगे। नहीं, पिज्जा नहीं खाएगी मेरी बच्ची। चल ना मेरा बच्चा। देख सुबह हो गई, सूरज निकल आया। सुबह हो गई मामू। ए मामू, उठो बेटा, बेटा उठो बेटा। ओ मेरा बेटा, उड़ियाओ उड़ियाओ बेटा, खले हो जाओ बेटा, मामा आ ले बेटा। विदित के मामा आ रहे हैं। वो आर्यन आ गया। आर्यन देख तो इसको उठा, तो देख कैसा दिख रहा है। उठ गई मम्मा आज बच्ची, इतनी देर से नाता कर रही थी। हाँ मम्मा आज बच्ची। चलो भैया ये भी उठ गया है। ये देखो मेरी माँ लेके आई थी, 5 साल से पहन रहा हूँ। ये देख सुनाओ बेटा, एक नंबर शर्ट है। मैं बहुत चाहता गर्म पान से नहाऊं, बहुत चाहता ठंडे पान से नहाऊं। एक कुकुन वाला, आज तुम दोनों की दोनों इसके अंदर ही रहना, ठीक है? चाचू तुम्हारे साथ मस्ती करेंगे और चाचू के हाथ पकड़ में आ जाना चुपचाप, यदि चाचू खोले तुम दोनों को। तो संभाल क्या ही लेगा, संभालेगा नहीं। यदि मम्मी खाना देगी और उठ के यदि बाहर रह गई तो फिर थोड़ी देर बाहर खेलने देंगे, फिर उनको धीरे से अंदर कर देंगे। वही तो मम्मी से तो पकड़ाती नहीं, मम्मी हम मेरे से नहीं पकड़ाती थी, मम्मी से क्या ही पकड़ा जाएगी। हे गाइस, तो फिलहाल अब भी यहाँ से बस निकल रहे हैं। समय देखो भैया कितनी, 8 बज रही है, अब निकल रहे हैं। हम तो तैयार हो गए थे पर हुआ क्या, अदिति जो मामा जी है ना, तो मामा वहाँ से उनकी गाड़ी जो गाड़ी करी थी भाड़े से, वो गाड़ी वाले ने लेट कर दिया 1 घंटा। अब भी वो वहाँ से निकले, हम यहाँ पे तैयार है, हम गाड़ी दो गाड़ी साथ में जाएगी। भैया क्या बोल रहा हो? माची टकली, मैं भी चश्मा पहन लिया, अदिति भी चश्मा पहन लिया। ओए बंदर, ओ विजित मंकी, अब मेरा बंदर तो सोया हुआ है। देख भैया कितने छाले बंदर है, खाने को लाते तो आते अपने पास, इनको लग रहा है। देख देख विजित बंदर। अरे एक 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 बिस्किट दे, एक बिस्किट खा के मान। क्यों खा लेंगे उनको? अरे तो क्या पता, केला छिलके खा सकते थे, नहीं खा सकते क्यों भाई? खाओगे नहीं? लो खाओ, कुछ ये लड़ाई कर रहे जाओ, गिरा दी उसके अंदर, पैकेट में है बेटा। और चाहिए? और चाहिए तो उसमें से निकाल के खाएगा। अदिति बोल रही थी कि नहीं खाएगा नहीं। ठीक तो फिलहाल इधर आ गए थे, अदिति की मामा की लड़की दीदी के घर पे आए, दीदी के घर पे। हाँ अदिति की दीदी के घर पे फिलहाल बच्चों के लिए बनाया और यही खा रहे। देखो दीदी ने बोला खाओ, तुम भी हमारे बच्चों जैसे ही हो। क्रीम क्रीम निकाल के पूरा खा रहा है, बिस्किट बिस्किट अपन खा लेंगे क्यों दीदी? करो करो लड़ो बेटा, कुत्ते बिल्लियों जैसे लड़ो दोनों, लड़ो बेटा, तो बड़ा भाई है दोनों को सारा लड़ाई करने के लिए। ये
ओए अद्रिक लग बहुत गुंडा करती चल रही तेरी तो। अरे अद्रिक अद्रिक समझ पड़ रही बेटा ले जा ले जा अक्षु बाहर फेंका इसको जा बाहर फेंका धूप में बाहर फेंका जा इसको इतनी खुशी हो रही छोटे को फेंका फेंका बाहर फेंका इसको धूप में जा ठीक है। तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 2:49 हो गए और हम घर से निकले हुए थे 7:30 और अब जा रहे हैं गार्डन में जहाँ शादी है दीदी की। सारे बच्चे रेडी हो रहे हैं शूज़ पहन रहे हैं दीदी लॉक लगा के निकल रही बाहर। हम लोग लेट हो गए क्योंकि मामा की गाड़ी ख़राब हो गई थी तो फिर कर्मा जी उनको लेने चले गए और वो लोग वहाँ से डायरेक्ट गार्डन चले गए और हमको यहीं छोड़ दिया। फिर ऑटो का वेट करते करते लेट हो गए। उसके बाद बच्चों ने मस्ती करी अद्रिक और दीदी ने मारा पीटी करी। अब बस फटाफट से गार्डन पहुँचे और फिर दूल्हा दुल्हन से मिलेंगे भैया। फाइनली आप शादी अटेंड करेंगे। कर्मा जी तो पहुँच गए गार्डन में। चलो 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 जल्दी दुग्गो यहाँ पे तो बनाऊंगी भैया। मेरा ट्रैवल दिखना चाहिए मेरा स्ट्रगल दिखना चाहिए। यहाँ पे इतना सब कुछ लगा इधर यहाँ पे इतना सब कुछ लगा और मैगी खाना है मैगी खा के आए। अच्छा मैगी खा के आए ठीक है। तो फिलहाल इधर तो लगी आदित्य की फेवरेट सीताफल की खीर। कुछ तो खा ले कुछ तो खा ले चिज्जी। बढ़िया बढ़िया है केक ये ना तुमने पहले फिर अच्छे लग रहे नाचेगा बेटा थक जाएगा चल कैमरा में लिया हटो जरा साइड में। तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है भैया 6:50 और हम लोग ने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। हमको रूम मिल गया था फाइनली थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। बढ़िया ऐसी वाला रूम था। सभी जान भी जेंट्स लोग तो लेटे हुए हैं बच्चे मोबाइल चला रहे हैं और ये देखो हमारे घर की लेडीज़ है बाहर बैठ के बातें कर रही हैं इसलिए हम लड़कियों को भी बाहर निकलना ही पड़ा। क्या करें अब मम्मियाँ बाहर है गप्पे शप्पे मारे तो हम अंदर बैठ के आराम कैसे कर सकते हैं। इनके गप्पों में थोड़ा सा तो इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा ना। गाइस तो फिलहाल अभी हम लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गए रिसेप्शन अटेंड करने के लिए। यहाँ मैं तैयार हो गई नीचे बच्चे तो पहले चले गए थे मम्मा जी को पहले तैयार करके भेज दिया था। अब आवाज आ रही है कि नहीं इसका नहीं पता भैया मेरे को मेकअप कैसा लग रहा है ये बता देना प्लीज़ कमेंट में। हाँ क्योंकि मैंने बहुत बिल्कुल डर डर के मेकअप किया। चलो फिलहाल यहाँ पर तो बारात आ गई अब खतरनाक पटाखे फूट गए। दीदी एकदम भयंकर खुश हो रहा होगा नीचे। अब खुश हो रहा है या रो रहा है ये नीचे जाकर के ही पता चलेगा क्योंकि पहले मम्मी लेके गई थी तब तो बहुत रो रहा था। तो फिलहाल यहाँ तो अब कैमरा चालू करना बंद हो गया। चले बूटा फिलहाल अदिति भी तैयार होके आ गई। अदिति ये सूट पहना है विदित भी ये वाला सूट पहना है फुल ब्लैक पहना होगा। तो फिलहाल ये देखो कर्मा जी को यहाँ पर बच्चा मिल गया है मेरी दीदी का लड़का है छोटा वाला उस दिन भर से उसको संभाल रही है। आइसक्रीम खाना है हाय भरत मौसा जी है बेटा आपके मौसा जी है वो किसी के पास नहीं आता यहाँ तुम्हारे पास आ रहा है वो पता है। आइसक्रीम खाओगे खाना है तो भैया आइसक्रीम लाए। वाओ आइसक्रीम खाएगा वरन छोड़ दो खेलेंगे वो। ओए डुगू तू कहाँ घूम रही थी इतनी देर से पापा दूसरे बच्चों को ले लेके बैठ घूम रहे बेटा। डुगू पापा दूसरे भैया भी उनको ले लेके घूम रहे हैं। अरे बस भाई बस भाई बस बस भाई बस ध्यान देना। देखो 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 उसको शेर को देखो कैसा गंदे हिलाते हिलाते चलता है पूरे टाइम।
है गाइस, तो फिलहाल अभी खा रहे हैं खाना, तंदूरी रोटी, तवा रोटी, काजू मसाला, काजू कड़ी और ये पनीर की सब्जी। अधिक नहीं। तो कैसे मस्ती कर रहे तुम दोनों? ले आजा पप्पो, आजा, चलो 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 आ जाओ। बता मेरे बच्चे को कहाँ लग गई, बहुत ही मस्ती कर रहे थे तो यहाँ पे लगी, पूरे दाने दाने आ गए। अब बोलो माने तो फिर और नौटंकी चालू हो जाएगी। तो चलो फिर अभी चलते ऊपर रूम में, हम निकल रहे थे रात में पर हमको रूम यहाँ पे ऊपर रूम मिल गया। अच्छा सोचा कि अच्छे से सोएंगे, सुबह ही निकलेंगे, किस बात की जल्दी है, अभी भी जाएंगे सुबह भी जाएंगे, इसलिए सुबह ही जाएंगे भी। तो फिलहाल समय कितना हो रहा है, 12:30 हो रही है। अभी मामा इनकी गाड़ी बुला रही है अपन ने खरगोन से इंदौर, तो यहाँ से बैठ के वापस मामा इंदौर जाएंगे, ऑफर भी जाएंगे। फिलहाल अभी टाइमर है 3:30, 3:30 बज रही है सुबह सुबह की, और मैं तो सो गई थी भी अभिदित को लेकर के, नींद लग गई थी आराम से। अब भी उठी हूँ, भाभी का फ़ोन आया, बोले आ जाओ दीदी शादी हो रही है, हम लोग आपके लिए आए हैं नीचे, आ जाओ तो उनके लिए वापस अभी उठ के। चलो देखते हैं थोड़ी देर शादी अटेंड करते हैं, फिर सुबह सुबह जैसे विदाई होगी थोड़ी देर बाद हम लोग भी निकल जाएंगे घर के लिए। आना। हे गाइस, तो फिलहाल अभी 3:30 तो उठ करके नीचे आई थी और पूरी शादी कंप्लीट हो गई भैया, अब 6:30 ऊपर जा रहे हैं, शादी कंप्लीट हो गई, अब दूल्हा दुल्हन जाएंगे उनके घर पे, वहाँ पे बत्ती मिलाने की जो और वो होती है सेरेमनी वो कंप्लीट करेंगे। बढ़िया लगा शादी में।
चलो भैया वो तो सोए हैं, उनको उठाने से कुछ मतलब नहीं, थोड़ी देर और नींद ले लेने देते हैं, उसके बाद ही उठाऊंगी। और पता है शादी कैसी होती है, मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा पर फिर भी एक बार बता देती हूँ। अगर मैंने आपको वीडियो जो क्लिप ऑन बताई है उसमें जिससे पहले के जो 6 फेरे रहते हैं ना उसमें लड़की आगे रहती है, उस फेरे में जो लड़की है अब उसके मामा के घर की पीली कलर की साड़ी पहनती है, और उसके बाद फिर लड़की जाती है चेंज करने के लिए, उसके बाद जो चेंज करके आती है तो उसमें उसके ससुराल की दी हुई लाल साड़ी पहनती है, वहाँ के सारी जो ज्वेलरी वगैरह रहती है वो पहनती है, उसके बाद आती है वहाँ से चेंज करके तैयार होकर पूरे प्रॉपर तरीके से एकदम पूरा सुहाग की मतलब सुहाग की तरह पूरी तैयार होकर के आती है। उसके बाद फिर पति पहले उसको मांग भरता है, फिर मंगलसूत्र पहनाता है, उसके बाद बिछिया पहनाते हैं, और फिर सातवां फेरा होता है भैया। वो एक जो आपने गाना सुना होगा ना कि जब तक पूरे ना हो फेरे सात तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की, मतलब जब तक प्रॉपर पूरे सात फेरे नहीं हो जाते तब तक जो दुल्हन रहती है वो दूल्हे की नहीं होती है। 6 फेरे तक लड़की मायके की रहती है, जब सातवां फेरा होता है उसके बाद लड़की होती है उसके पति की उसके ससुराल की।